आखिर क्यों सुनसान पड़ गया है पार्क का हर एक झूला, जवानी जल्दी आ गई, हर बच्चा बचपन है भूला, जो खेलते थे हाइड एंड सीक आज वो मांगते हैं फॉलोअर्स की भीख। वो गलियां वो चौबारा जहां बिताते थे पूरी शाम, आज उन बच्चों की पूरी दुनिया ही बन चुका है इंस्टाग्राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिल्लू भाटी, थोड़ा तीखा थोड़ा जज्बाती। इंडिया को न्यूजीलैंड के सामने करना पड़ा हार का सामना, पूरे स्टेडियम में बजा मशहूर गीत। आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बच्चे, सोशल मीडिया वाले बच्चे, सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने वाले बच्चे, सोशल मीडिया पर क्रिंज वीडियोस बनाने वाले क्रिंज बच्चे। किन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल। तो आज की इस ऑन ग्राउंड रिपोर्ट में हम ऐसे ही कुछ नामचीन बच्चों का पर्दाफाश करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले बच्चे की तरफ। मैं बकरन से पढ़ता हूँ और लोगों को बताता हूँ, मैं जैसे लाखों लोग मेरे को सुनते हैं। तो मिलिए बच्चों के आलोक नाथ से, द ओनली बच्चा इन द वर्ल्ड जो बड़ों से आशीर्वाद लेता नहीं उनको आशीर्वाद देता है। आइए मिलिए अभिनव अरोड़ा से। अभिनव अरोड़ा, इतना मूर्ख लड़का है वो, जो 6 से लेकर 8 बजे के बीच में नहाता है वह मानव स्नान करता है, और जो 8 बजे के बाद नहाता है वह राक्षस स्नान करता है। अरे दिस इज स्टुपिडिटी ब्रो, दिस इज स्टुपिडिटी, कुछ भी। ये पहला बच्चा है जिसके मम्मी पापा ने उसको पबजी खेलने की उम्र में बाबा जी बना दिया। लेकिन आप कुछ भी कह लीजिए, इनके पास हर बात का एक अल्टीमेट कमबैक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटा, आपका होमवर्क हुआ कि नहीं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है इस बार बिग बॉस कौन जीतेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुर्गी पहले आई या फिर अंडा? मुझे फर्क नहीं। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मुझे फर्क नहीं। अगर एक रेबीज वाले कुत्ते ने दूसरे रेबीज वाले कुत्ते को काटा तो क्या पहले रेबीज वाले कुत्ते को रेबीज होगा, और दूसरे रेबीज वाले कुत्ते को अगर रेबीज ऑलरेडी है तो क्या फिर उसको भी रेबीज होगा? मुझे कुत्तों को तो रेबीज होता ही नहीं है ना, इजंट इट? कुत्तों को रेबीज हो सकता है गाइस? रेबीज तो ह्यूमंस के अंदर होता है ना। कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को काटेगा तो हाँ पागल तो हो जाते हैं, जितना मुझे पता है। फर्क नहीं। सच्चाई का पता लगाने। यस होता है। मुझे लगता था कि अगर कुत्ता तुम्हें खा ले तो तुम्हें रेबीज हो जाता है। के लिए हमारे कलीग्स की टीम जा पहुंची इनके पास और लिया इनका इंटरव्यू। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी, कष्ट हरने वाला। इनको देख के मेरे को मेरे इंजीनियरिंग के दिनों की याद आ जाती है। वाइवा के वक्त मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होता है। और ध्यान से देखिए, पीछे से इनके पिताजी इनको जवाब भी बता रहे हैं, कष्ट हरने वाला। वो भी गलत। बेचारे बच्चे ने मम्मी पापा की दी हुई स्क्रिप्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी मार रखी है, और मम्मी पापा ने बोला है तो सही होगा। आप किसी की उंगली को काट करके खा सकते हैं? आप अपने किसी प्रिय जनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? आप अपने प्रिय जनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? नहीं ना, तो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? अच्छी बात है ये, सत्य वचन। लेकिन एक सेकंड, नॉन वेज नहीं खाती। ओ हाँ, ये पहले नॉन वेज खाता था भाई, सोचो। चिकन बना दी। वेल डन। ये तो बिल्कुल ऐसे पलट गया जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म की गाड़ी हो। आज भी स्कूल नहीं गया। कैसे जाता? मम्मी पापा ने अपनी उम्र के बच्चों से बात करने के लिए मना जो किया है। जब स्कूल की अटेंडेंस होती थी बाकी बच्चे प्रेजेंट मैम बोलते थे, ये बोलता था मैं आपकी शरण में आके धन्य हो गया हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस छोटे भीम की दिनचर्या कैसी होती होगी। कितनी बार कहा कार्टून नेटवर्क मत देखा कर। बाबा वो कार्टून नेटवर्क नहीं है, मेरा दोस्त पिंकू है। अरे भाई पोकेमान देखेगा तो काम कौन करेगा? नीचे इंटरव्यू लेने आए हुए, चल नीचे चल। ओके पापा, ओके मम्मी, सॉरी अब से ऐसा नहीं होगा। गुड बॉय। स्क्रिप्ट याद है ना आज की? मैंने सारी लाइनें रट ली मम्मी जो आपने मेरे को बोली थी, एक एक लाइन। गुड, वेरी गुड, चल जल्दी आ जा शाम। ओके मम्मी। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभिनव अरोड़ा। तो अभिनव, आपकी प्रिंसिपल का कहना है कि आप स्कूल नहीं आते हैं, ऐसा ये वीडियो काफी डिफरेंट है क्या निश्चय की अदर वीडियो से? कि मेरे को ही लग रहा है ये, बताना मेरे को, ये बहुत डिफरेंट लग रही है भाई देन द अदर निश्चय की वीडियोस। दिस फील्स रियली डिफरेंट। फर्क नहीं पड़ता, मेरे एक ही प्रिंसिपल है, मेरे मम्मी पापा। आपकी मैथ्स टीचर भी बोल रही थी कि आप मैथ्स में फेल हो गए। फर्क नहीं पड़ता।
मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जीवन के गणित में पास हूँ तो स्कूल के गणित से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे पर आपकी वो फ्रेंड प्रीति रोहन के साथ बैठने लगी है, उनका फ्लेम्स में लव निकला है, लव। मुझे फर्क मुझे फर्क पड़ता है प्रीति, तुम सिर्फ मेरी हो प्रीति, हमारा फ्लेम्स में मैरिज निकला था, तुम मुझे छोड़ दो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा प्रीति, मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। वैसे जैसे हमने देखा अभिनव, आपके लिए आपके माता पिता काफी ज्यादा मायने रखते हैं। मेरे मम्मी पापा। तो आपको पढ़ाया लिखा है किसने? मेरे मम्मी पापा। आपको खाना कौन बना के देता है? मेरे मम्मी पापा। आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरे मम्मी पापा। आपका फेवरेट एक्टर क्या है? मेरे मम्मी पापा। आपकी फेवरेट मूवी? मेरे मम्मी पापा। आपकी लाइफ किसने खराब करी? मेरे मम्मी पापा। मेरे जो सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन था इसको कट कर दीजिए, कट करिए। कीप रोलिंग। मेरे मम्मी पापा आप पे कॉपीराइट मार देंगे जैसे सब पे मार रहे हैं। यार पर अभी एक चीज की टेंशन है, वो लीगल ना कर दे हम पे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो तो तुझे निपटना पड़ेगा। अरे पर तू ही तो मैं हूँ। मैं तो तू हूँ मतलब तू मैं हूँ, मैं हूँ और मैं तू है, इसका मतलब तू मैं हूँ, तो इसका मतलब मैं हूँ और मैं ही तू, हम दोनों एक ही है, इसका मतलब लीगल तो मेरे पे भी पड़ता। ओ शिट। ऑनेस्टली मुझे इस बच्चे के लिए बुरा फील होता है बिकॉज ये इतना छोटा है, इसे पता भी नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन इसके मम्मी पापा इसे स्कूल भेजने की जगह अच्छा इस चीज को एज अ बिजनेस यूज कर रहे हैं, एंड उसके लिए इस बच्चे को मीडिया के सामने आके अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। व्हाट इज योर रियल एज? एज इज जस्ट अ नंबर कहने वाली है बच्ची जो खुद को 20 साल की बताती है, असल में मात्र 12 साल की है, नहीं 14 या 12। हमारे सूत्र भी कंफ्यूज हो गए हैं, 12 तो वो 2 साल पहले थी, अब शायद 14 की हो गई होगी, बट शायद वो अभी 12 ही बोल रही होगी, बट वो तो खुद को 20 बोलती है। नेवर माइंड। दिस गर्ल दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन्स डांसिंग विद गुरु रंधावा, मिल्खा सिंह एंड यो-यो सिंह, कैन यू गेस द रीजन? कहा जाता है कि नासा के साइंटिस्ट आज तक 3 प्रश्न के जवाब नहीं दे पाए हैं। पहला, क्या धरती पर एलियंस आ सकते हैं? 16 साल का है वो, टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? अरोड़ा 16 साल का है। जीवा अरोड़ा की असली एज क्या है? Well, as per reports, her age is 12. She is born in the year 2010. कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि बच्ची मात्र 12 या 14 या जितने मर्जी साल की है। आजकल के बच्चों को बड़े होने की इतनी जल्दी है कि ये अपने बचपने को यूट्यूब एड्स की तरह स्किप कर देते हैं। बट हर इंस्टाग्राम पोस्ट are not like a child's. Short clothes, adult-like expressions and sensual dance moves. This is what most of her videos consist of. Tuition jaane ki umar mein ye muhtarma 7 steps skincare routine kar rahi hai. Present ma'am kehne ki umar mein ye muhtarma like, share, subscribe my channel keh rahi hai. Tazos collect karne ki umar mein ye madam shoes collect kar rahi hai. 12 saal ki umar mein ye muhtarma Mikka Paji ke saath video mein aa chuki hai, jo ki kam se kam 45 years ke. Isme to Mikka Paji ki galti hai mere according, if main bahut honestly sahi se bolu to. Pehli baat to Reeva se zyada uske parents ke upar baat cheet चाहिए, आखिर उसके पेरेंट्स ये सारी चीजें अलाउ क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? एंड देन इवन इफ दे आर अलाउड, देन उसके पेरेंट्स को भाई बुक करना चाहिए कि आखिर एक 14 साल की लड़की एक 40 साल के इंसान के साथ इस तरीके का डांस क्यों कर रही है, बिकॉज यहाँ पे तुम देख सकते हो उन्होंने हाथ लगा रखा है भाई, हाँ जी, इस तरीके की चीजें हो रही है, तो आई फील लाइक कि यहाँ पे सीधी बातचीत होनी चाहिए। But then again, age is just a number, yeah. It's not a number, भाई. Then jail is just a place, brah. Right, जरूरी है, लेकिन उससे पहले 18 साल के तो हो जाओ यार. माना कि college is the best time of your life, लेकिन उससे पहले 10th और 12th भी clear करनी पड़ती है भाई. या आपका कोई transition video थोड़ी ना चल रहा है, जो transition करके 12 से 20 साल के हो जाओगे अचानक से. हाल ही में मैं भी एक ऐसी ही मोहतरमा से मिला जो अपनी उम्र से बड़ी लगने की कोशिश कर रही थी. आइए देखते हैं क्या हुआ. मैडम आप ठीक है? मैडम आप ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं देवियों और सज्जनों, यहाँ पर ये मोहतरमा का जो है एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही भयंकर. पेरेंट्स ही रिस्पांसिबल है फॉर दिस. एग्जैक्टली सेम फॉर आयशा खान. ये क्या कौन है मुझे पता ही नहीं है भाई. कैसे हैं आप लोग? मेरे नेल्स देखिए गाइस, कितने क्यूट है. कैन यू सी? नमस्कार मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? I am making a vlog for my fam, yeah. अच्छा, तो आप इन्फ्लुएंजा हैं? इन्फ्लुएंजा मतलब I love my fam, मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ और मेरे नेल्स देखिए आप पहले तो. अब आपका अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, नाखून से क्या लेना देना है? नाखून आज ही करवाए हैं, सोचो टूट जाते तो. आपकी गाड़ी टूट गई है यहाँ पे करो. मुझे लगा ये गाली देने वाली है अभी.
करोड़ रुपए की, आपको आपके 500 रुपए के नाखूनों की चिंता हो रही है। 500 नहीं, इट्स एक्सपेंसिव, ओके, चैनल। अच्छा 500, 5 रुपए। अच्छा है, आजकल सारे बच्चे जो हैं इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। एक सेकेंड, बच्चे कोई बच्चे, आई एम एन एडल्ट, 18 प्लस ओनली। एडल्ट हैं आप? हाँ जी। तो क्या उम्र है आपकी? एज डजंट मैटर यार। नहीं मैटर नहीं करती है तो बता दीजिए। एज इज जस्ट अ नंबर। अरे आधार कार्ड पर कुछ तो होगा, वो ही बता दीजिए। बचाओ कि अंकल मेरे को पहले जान कर ले। अरे नहीं, अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई साहब, हम तो यहाँ पर और ऐसे मोर व्लॉग्स देखने के लिए आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय फैम। व्हाट इज इट डूइंग निशा भाई, ये क्या है? पहले मेरा माइक तोड़ा, फिर मेरी घड़ी तोड़ी, बहुत मार, फिर मेरा चश्मा तोड़ा और साथ साथ मेरे जर्नलिस्ट बनने का सपना भी तोड़ दिया। अब अपना टूटा दिल और टूटा जिस्म लेकर बैठा हूँ आप लोगों के सामने, यही जीवन है और आगे की लाइन नहीं याद। शॉपकीपर, शॉपकीपर। हाँ भाई। यहाँ वो मिलेगा क्या? टूटे दिल और बिखरे सपनों का इलाज? नहीं। टूटे दिल का इलाज तो नहीं मिला, पर मिल गए कुछ प्यार में पड़े पंछी, आई मीन चूजे। आइए आपको लेकर चलते हैं आखिरी प्रकार की प्रजाति ऑफ सोशल मीडिया के आजकल के निब्बा निब्बी बच्चे। और भाई इतने वर्ड डाल दिए एक लाइन में, भूल गया सब। जोगी माही हीर रांझा, इन सब की कहानी अब ओल्ड स्कूल हो चुकी है। आजकल के जेन ज़ी में तो बस सुहान और सैफीना के ही चर्चे हैं। ये चिलगोजे जिनके अभी तक छिलके भी नहीं उतरे हैं, ये साथ में कपल रीले बना रहे हैं। इनके मम्मी पापा नहीं कुछ बोलते। बचपन में काजू कतली के लिए लिखा गया किताब के पीछे वो लव लेटर जब मम्मी ने देख लिया था तो मुझे इतना सूता था, बहुत मारा। आज तक वो दर्द मेरे जिस्म में बसी है। अपने क्रश से पेंसिल मांगने की उम्र में ये बच्चे शादी की बातें कर रहे हैं, और इनको तो छोड़ो, ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, कुछ तो एक्चुअली शादी कर चुके हैं। हमें छापरी। जा दोस्तों, सिमल सेमड़ा, इसको 16 की उम्र में इसका कैरी इफ ही डजंट अब्यूज। और एक हम है जिसे यहाँ पे टाइप सी। हाँ, ये वाला वीडियो इज वेरी डिफरेंट, लाइक क्या बोलते हैं, निश्चय का, इस कंपेयर टू बिफोर। नजर नहीं मिल रहा है। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बीवियां। ओ भाई, फाड़न में चप्पल मारूंगा। अगर जीने के हैं चार दिन तो ये लड़का चारों दिन अलग बीवी के साथ जीता है। ब्रो लिव्स लाइफ किंग साइज। ये डेट पे भी जाता है तो बोलता है टेबल फॉर फोर। भाई ने टोटल 28 फेरे लिए थे और यार सलमान भाई एक नहीं ले पा रहे। अरे मजाक कर रहा था भाई। ये पहला बच्चा है जिसके सारे लेवल निकल चुके हैं। ब्रो इज एन ओची प्लेयर, ओची। ये पहला ऐसा बच्चा है जिसके पास 10th पासिंग सर्टिफिकेट से पहले मैरिज सर्टिफिकेट है। जिस उम्र में वीडियो के बाद ये हुआ, कैरी का वीडियो बहुत रिलीज होगा, उस उम्र में ये सास बहू के झगड़े सुलझा रहा है। जिस उम्र में हमारी स्कूल के कैंटीन में उधारी होती थी, उस उम्र में ये शादी का मंडप सजा चुका है, वो भी चार। एक सेकंड, हमारे गुप्त सूत्रों से खबर आ रही है कि इन बच्चों की एक और वीडियो लीक हो गई है। बाबू तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही बाबू। अरे ये सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? ये सब ये यहाँ पार्क में क्या कर रहे हो? ये सब मेरे पति हैं, जो मर्जी करूँ मैं। पति हैं? लेकिन तुम तो बच्ची लग रही हो। नहीं नहीं, मेरी बीवी है ये। सारे वचनों के साथ शादी हुई है हमारी। कौन से वचन ब्रो? यस स्ट्रीम्स आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूं कि हर जन्म मेरा तुम ही ब्रेन रॉट करो। मैं चाहता हूं हर जन्म तुम मेरी पूकी और मैं तुम्हारा रिजलर बनो। मैं वादा करती हूं कि अपने लास्ट ब्रेन सेल एट 3 AM तुम पर ही खर्च करूंगी। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरा दिल और मैं तुम्हारा नेटफ्लिक्स एंड चिल। एक चीज देखना, ये निश्चय भाई ने इसको समझाया है, ठीक है? तो यू विल सी, जब ये डायलॉग बोल रहे हैं तो निश्चय भाई अपने मुंह से सेम डायलॉग बोल रहे होंगे, देखना। तुम मेरा दिल और मैं तुम्हारा नेटफ्लिक्स एंड चिल। देख, मैं वादा करती हूँ
कि कभी तुम्हें इम्पोस्टर वोट नहीं करूंगी। करता हूँ कि तुम्हारी हर रील्स पे 4 कमेंट करूंगा। ओहो हो, मेरा राजकुमार। ठीक है भाई, ठीक है, आज से तुम सदा स्वागत रहो। बच गए। मम्मी बोली कहाँ से आ रहा है? जोर से कट गया। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ चंद व्यूज के चक्कर में गुड वीडियो निश्चय का ये वीडियो बहुत इम्प्रूव हुआ है भाई, मुझे अच्छा लगा ये वीडियो। लाइक नॉट एग्जैक्टली माय टाइप ऑफ ह्यूमर टाइप का, बट आई फील लाइक कि काफी अच्छा था। ये मैंने इतना लाइक ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वाला वीडियो। दिस अ लॉट ऑफ वेरी वेरी ओल्ड एंड वैसा यूट्यूब वाला वाइब, वेरी होलसम है थोड़ा सा वीडियो, अब्यूजिव भी नहीं है। एंड एक चीज मेरे को अच्छी लगी इस वीडियो की, निश्चय इन द एंड जो है ना, निश्चय भाई ने कॉल आउट किया टू अभिनव के पेरेंट्स को इंस्टेड ऑफ अभिनव, बिकॉज आई एम सी हर कोई अभिनव के ऊपर ही वीडियो बना रहा है एंड अभिनव को ट्रोल कर रहा है, बट एक्चुअली में इफ तुम देखोगे ना, असली इशू अभिनव के पेरेंट्स है। ठीक है, अभिनव के पेरेंट्स की ऐसी की तैसी होनी चाहिए भाई।